हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस, कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नूरवाला अड्डे पर शराब ठेकेदार पर गोलियां बरसाने के मामले में आज ग्रामीण और ठेकेदार का भाई सुरेंद्र एसपी से मिलने पहुंचे। एसपी से मिलने पर उन्होंने पूरी घटना बताई और कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उन्हें सुरक्षा दी जाए, जिस पर एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद सभी वहां से वापस लौट गए। वहीं एसपी से मिलने पहुंचे शराब ठेकेदार के भाई सुरेंद्र ने बताया कि उन्हें एसपी द्वारा आश्वासन दिया गया है। वहीं उसने बताया कि इससे पहले भी उसके भाई जो कि शराब ठेकेदार है उस पर 3 बार हमला हो चुका है और पहले भी उसे गोलियां लग चुकी है, लेकिन वो पिछले हमलों में बाल बाल बच गया। उसका कहना है कि ये हमला 4थी बार हुआ है। एसपी साहब ने हमारी बात पूरी ध्यान से सुनी है और हमें न्याय की उम्मीद वो ज़्यादा जगाई है कि मैं जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करूंगा और आपको आपकी सुरक्षा बढ़ाऊंगा। 19 तारीख का मामला है और ये नूरवाला ठेका शराब का है, तो हमने लैसी सरकार द्वारा लिया हुआ है। और मेरा भाई वहाँ पे बैठा हुआ था और जैसे ही मैंने फ़ोन किया कि भाई घर पे आ जाओ, तो ड्राइवर को बोला कि गाड़ी स्टार्ट कर लो। गनमैन को लेकर जैसे ही वो बाहर निकला, साथ में टॉयलेट है, टॉयलेट करके गाड़ी बैठे निकला, तो 4 लड़कों ने फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें मेरे भाई को 2 गोली लगी और ड्राइवर उसको बचाने के लिए भागा, 1 गोली ड्राइवर को भी लगी है। सर वो उनकी है, उनकी फायरिंग में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 20-25 गोलियां चली हैं, वो उसी में से कोई एक गोली उसको लगी है। सर पहले भी हमला हुआ है? सर हमारे बार आपकी बार ये 4था हमला हो चुका है, इसमें मेरे भाई को 2 बार गोलियां लग चुकी हैं। एक बार दीवार की वजह से किसी कारण बच गया था और 2 बार तो भगवान के घर से आया है, हॉस्पिटल में रहा है। पहले भी छाती में लगी थी, अब की बार छाती में गोली लगी हुई है। तो सुरक्षा की मांग की है? सुरक्षा की मांग की है और साहब ने किया कि भाई 1-2 दिन में हम आपकी सुरक्षा बढ़ा देंगे। वही इस मामले में डीएसपी सतीश वस्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सीआईए की टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो पक्षों का आपसी रंजिश का मामला है और जो लड़का गोली चलाने के लिए आया था और जिस पर गोली चला रहा था उस पक्ष के आदमियों ने ही फायरिंग कर दी, तो एक जो गोली चलाने आया था लड़का उसकी भी मौका पर डेथ हो गई। उसके साथ और भी लड़के थे, उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, FIR दर्ज है। सीआईए हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लड़के और साथ आए थे जल्दी आइडेंटिफाई हो और उनको गिरफ्तार करें। सर ये इन लोगों का आरोप है कि पहले भी वारदात हुई है, कि सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? वो तभी तो मैं बता रहा हूँ, रंजिश है पहले से, एक पार्टी को तो पुलिस सुरक्षा दी भी हुई है, तो कार्रवाई कर रहे हैं हम।
बता दें शनिवार को दोनों भाई ड्राइवर और बाउंसर अपने नूरवाला अड्डे पर ठेके पर गए थे। रात करीब 8:30 बजे वापस जाने लगे तो नूरवाला की तरफ से 4 से 5 बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। अजीत के सीने में एक गोली लगी, सुरेंद्र बच गया। ये बदमाश ठेकेदार अजीत की हत्या करने आए थे। अजीत को 3 गोलियां लगी है और हालत उनकी गंभीर है। एक बदमाश मौके पर मारा गया, वहीं बाकी बदमाश मौके से फरार हो गए थे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।